नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जितेंद्र पॉट गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी हम प्लांट्स लगाते हैं तो वो दो बातों पर डिपेंड करते हैं, पहला वेदर और दूसरा सॉइल। अगर वेदर और सॉइल प्लांट्स के अकॉर्डिंग है तो हमारे प्लांट्स काफ़ी हेल्दी होंगे और अच्छी तरह सर्वाइव करेंगे, साथ ही उसमें फ्लावरिंग भी खूब ढेर सारी होगी। तो यही बात आपको समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मैं आया हूँ अपने होम टाउन। मेरा होम टाउन नैनीताल के पास है, एक छोटा सा गांव। मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे घर पर नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसे जो है प्लांट्स चल रहे हैं। इनमें देखिए फ्लावरिंग आई हुई है। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। दरअसल पिछले एक महीने से मेरे नेटिव प्लेस में घर लॉक था, यहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद देखिए कितने ढेर सारे फ्लावर खिले हुए हैं। ये देखिए रोज, वाइट रोज, ये एक प्लांट है जिसे कटिंग के जरिए लगाया गया था। देखिए कितने ढेर सारे फ्लावर आए हैं। गुलदाउदी यानी क्रिसेंथमम। अब इस वाले प्लांट को देखिए, आप एक प्लांट है लेकिन आप देखिए कितने ढेर सारे इसमें फ्लावर हैं। मुझे लगता है कि कम से कम 300-400 इसमें फ्लावर आए हुए हैं। और यहाँ नीचे की तरफ देखिए, ये इसको पहचानते हैं, ये है स्पाइडर प्लांट। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था वेदर और सॉइल की। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो प्लांट्स हो रहे हैं इसमें इतने ढेर सारे फ्लावर खिले हुए हैं, लेकिन आप ये देखिए यहाँ की सॉइल देखिए, ये पथरीली सॉइल है। पहाड़ में पथरीली सॉइल होती है। देखिए कितने मोटे मोटे इसमें पत्थर हैं और मिट्टी हल्की है। तो ऐसी सॉइल का फ़ायदा ये है कि इसमें पानी रुकता नहीं है। पानी नहीं रुकता है तो रूट रॉट होने की जो प्रॉब्लम होती है अक्सर पॉट्स में, वो नहीं होती है, इसलिए प्लांट बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। अब देखिए गुलदाउदी के जो प्लांट हैं, हम जब पॉट में लगाते हैं तो उसमें एक पॉट में, एक कंटेनर में, एक प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा हमको अगर फ्लावर दिखते हैं तो इतने दिखेंगे। मैरीगोल्ड देखिए कितना बड़ा। इधर देखिए जिरेनियम का प्लांट, अभी हालांकि इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, शुरू अब इसका सीजन है। इधर गुलाब का एक और पौधा है। यहां देखिए सदाबहार। अब पत्तियों की चमक देखिए, जब हम, मैं चूंकि नोएडा में रहता हूं, नोएडा में प्लांट्स की पत्तियां आपको बहुत ही डल सी दिखती हैं, लेकिन यहाँ देखिए पत्ती की चमक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हाँ, जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि पिछले एक महीने से हमारे नेटिव प्लेस में घर पर कोई नहीं था, पूरा घर लॉक था। तो इन प्लांट्स को न तो पानी मिला, न कोई इनकी देखरेख हुई। बावजूद इसके देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट का असर देखिए कि कितने खूबसूरत फ्लावर हो रहे हैं, फ्लावर कितने फ्रेश हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देख रहे हैं आप।
सबसे बड़ी बात ये जो पहाड़ी स्टाइल की जो मिट्टी होती है जिसमें कि पत्थर भी होते हैं, देखिए ये ऐसे ऐसी मिट्टी में जो है चलिए आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं फ्रेंड्स। ये देखिए ये है जेड प्लांट, एक महीने से चूंकि पानी नहीं मिला तो इसकी पत्तियां देखिए सूख गई हैं, लेकिन इसके बावजूद देखिए एनवायरनमेंट का ही असर है कि प्लांट अभी तक सरवाइव कर रहा है। कुछ पत्तियां सूख गई हैं लेकिन प्लांट सरवाइव कर रहा है। ये देखिए कितना बड़ा है, और इसी के नीचे देखिए एक और फ्लावर प्लांट लगा हुआ है, एलोवेरा देखिए, ऑर्नामेंटल एलोवेरा, ये छोटे से पॉट में लगा है। इसको भी पानी नहीं मिला इसलिए इसकी पत्तियों में देखिए थोड़ा सा रेडनेस आ गई है, ग्रीननेस कम हो गई है। ये देखिए क्लेंचो, ये भी छोटे से उसमें लगा है पॉट में। इसकी भी पत्तियां सूख गई हैं लेकिन प्लांट अभी सरवाइव कर रहा है। आप सोचिए अगर हम दिल्ली NCR या फिर किसी बड़े शहर में फ्लैट के अंदर जब हम प्लांट लगाते हैं और अगर हम उसे 3 दिन पानी ना दें तो क्या होता है। तो ये एनवायरनमेंट, मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूं तो एक बात कई बार मैं बोलता हूं कि हमें प्लांट्स इस हिसाब से लगाने चाहिए कि जो उस एनवायरनमेंट में सूट करें, यानी प्लांट्स के लायक एनवायरनमेंट होना चाहिए, उन्हीं प्लांट्स को हमें लगाना चाहिए। ये देखिए चूंकि इन प्लांट्स के लिए यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल सुटेबल है इसलिए ये प्लांट यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। देखिए ये एक और जेड प्लांट, ये देखिए पत्थर चट्टा कितना बड़ा हो गया है पॉट में, ये भी हालांकि सूख गया है लेकिन सरवाइव कर रहा है। ये गुलाब है पॉट में लगा हुआ है। अब आपको दिखाता हूं एक सकुलेंट वैरायटी, देखिए क्या खूबसूरत है, देख रहे हैं आप, एक 12 इंच की पॉट में कितना फैल गया है ये सकुलेंट, देखिए सकुलेंट को चूंकि पानी कम चाहिए इसलिए इसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, हालांकि कुछ पत्तियां इसकी भी सूखी हैं लेकिन इसको बहुत फर्क नहीं पड़ा। देखिए ये देखिए, अब यहां पे देखिए पॉट में ये गुलदाउदी का पौधा है, क्रिसेंथमम का, ये जिरेनियम है, यहाँ पे भी देखिए अब चूंकि ये गमले में लगा था देखिए क्रिसेंथमम का इसलिए इसकी पत्तियां थोड़ा सा डल हो गई हैं, मुरझा गई, लेकिन ये भी अभी सूखा नहीं है क्योंकि बीच में एक आध बार कभी बारिश हो गई तो उससे प्लांट्स को अपनी जरूरत का पानी मिल जाता है। तो दोस्तों प्लांट्स लगाने का थंब रूल यही है कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहां रहते हैं, उस एनवायरनमेंट को सूट करते हुए प्लांट्स लगाइए, इससे आपके प्लांट्स बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको उनकी बहुत देखरेख भी नहीं करनी पड़ेगी। इस नेचुरल एनवायरनमेंट में और कौन कौन से प्लांट लगे हुए हैं उनके बारे में भी आपको एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।